हेलो फ्रेंड्स, रेनू की रसोई में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मलाई कोफ्ता की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो सभी को बहुत पसंद आता है। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 2 कटे हुए प्याज, 3 टमाटर, 6 से 7 कली लहसुन और 1 टुकड़ा अदरक का 2 गिलास पानी डाल करके हमें 10 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देना है। जब तक टमाटर बॉईल हो रहा है तब तक कोफ्ता की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ 6 से 7 पीस आलू है, ये बॉईल आलू है, इसे हमें अच्छे से मैश करना है। देखिए हमारा आलू मैश हो चुका है। मैं इसमें डाल रही हूँ 5 से 6 पीस ब्रेड को पीस करके। आप इसके जगह में मैदा या फिर कॉर्नफ्लावर डाल सकते हो। 100 ग्राम पनीर, थोड़ा सा नमक, इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें गुठलियाँ नहीं रहने देना है, नहीं तो कोफ्ता फट जाएगा। फ्रेंड्स, जो भी चीज़ का बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, आलू का मॉइस्चर देख लें। अगर ज़्यादा गीला गीला आपका आलू बॉईल हुआ है तो आपका बाइंडिंग का सामान ज़्यादा लगेगा। ये देखिए हमारा मिश्रण रेडी है। एक बार प्याज टमाटर को देख लेते हैं, ये बिल्कुल पक चुका है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। 100 ग्राम पनीर को हमने मैश कर ली है, थोड़ा सा नमक, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच ही लाल मिर्च, इसे स्किप भी कर सकते हो आप, 1 चम्मच मावा, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना हमें। उसके बाद आलू वाले मिश्रण को अच्छे से फ्लैट कर दे बीच में, और पनीर और थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ काजू किशमिश डाल करके हमें इसका एक शेप देना है। शेप आप अपने पसंद के अनुसार दे सकते हो, गोल या फिर ओवल, जो भी पसंद हो आपको। ये देखिए हमें सारे कोफ्ते इस तरह से रेडी कर ली। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे तेल का टेम्परेचर आप लोग देखें, हमें इस तरह का टेम्परेचर चाहिए। अगर आपका तेल बहुत कम गर्म होगा तो कोफ्ता फट जाएगा, और ज़्यादा गर्म होने से कोफ्ता ऊपर से पक जाता है और नीचे से कच्चा रहेगा, अच्छा नहीं बनेगा। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है हमें। ये देखिए ये ब्राउन हो चुका है, अब इसे निकाल लेते हैं और प्याज टमाटर का जो है उसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें पेस्ट तैयार करना है। एक कढ़ाई लें, उसमें 2 चम्मच मैं रिफाइंड डाल रही हूँ। आप इसके जगह में बढ़िया घी या फिर बटर भी डाल सकते हो। 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 से 3 लौंग, उसके बाद प्याज टमाटर का पेस्ट डाल देना है और इसे ऑयल छोड़ने तक हमें फ्राई करना है। ये देखिए साइड से ऑयल छोड़ने लग गया है। इसमें सारे मसाले ऐड कर देते हैं। आधा चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। 2 हरी मिर्च में बीच से कट करके डाली हुई हूँ। अब इसे 2 मिनट और फ्राई करना है। 2 मिनट के बाद काजू पेस्ट हमें डाल देना है, बिल्कुल रिच ग्रेवी बनेगा। तो काजू का पेस्ट मैं थोड़ा ज़्यादा डाली हूँ, ये 1/2 कप है, और 1 चम्मच मावा। इन सबको वापस हमें 1 मिनट और फ्राई करना है। देखिए हमारा ग्रेवी रेडी है। अब मैं इसमें 1 चम्मच क्रीम, इसे हमें बस मिक्स ही करना है, बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है। 1 गिलास गर्म पानी, इसके बाद इसे बॉईल होने दें। ग्रेवी हमारा बॉईल हो गया, थोड़ा सा गरम मसाला और कस्तूरी मेथी सबसे लास्ट में हमें डालना है, थोड़ा सा हरा धनिया। फ्रेंड्स, कोफ्ता को कभी भी डायरेक्ट ग्रेवी के ऊपर नहीं डाल ग्रेवी में नहीं डालें, नहीं तो कोफ्ता जो सॉफ्ट होता है टूट जाएगा।
थोड़ा सा ऊपर से क्रीम और हरा धनिया से गार्निश करें। ये देखिए हमारा कोफ्ता रेडी है, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी।